चिकित्सक शिक्षकों का बुधवार को तीसरे दिन भी सामूहिक अवकाश जारी रहा। बुधवार को चिकित्सक शिक्षकों ने सीकर के एसके हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में पकोड़े तलकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि मेडिकल शिक्षकों ने डाइंग कैडर के पोस्टर लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि आंदोलन की शुरुआत होने से मेडिकल कॉलेज में अध्यापन की प्रक्रिया ठप्प हो गई है, जिससे बच्चों की शिक्षा उनके प्रैक्टिकल पर बड़ा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 3 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो राज्य सरकार और ना ही प्रशासन से उनकी कोई वार्ता हुई है। राज्य सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ राज्य के सभी 17 मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक शिक्षकों ने पहले दिन सोमवार को अपनी नाराजगी जताते हुए सरकार तक संदेश भिजवाया था। सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने कहा, कोविड के दौरान भी उन्होंने लगातार काम किया है, 4 गुना ड्यूटी देकर के अपना फर्ज निभाया, लेकिन सरकार का उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं है। इस दौरान बड़ी संख्या में चिकित्सक शिक्षकों ने पकौड़े तलकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी राज्य के डॉक्टर्स हैं और हमारे ये हड़ताल जो मासिक सामूहिक अवकाश पे हम सब चल रहे हैं, आज उसका तीसरा दिन है, लेकिन किसी भी प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई भी लिखित में आश्वासन नहीं मिला है। हमें माननीय चिकित्सा मंत्री ने मौखिक आश्वासन अवश्य दिया था, परंतु अभी तक उन्होंने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है, इसलिए हमारी ये सामूहिक अवकाश जो है वो जारी है। हमारी मांग यही है कि 2017 से जितने राजमेस के डॉक्टर्स राजमेस के अंदर काम कर रहे हैं, इन लोगों ने कोविड के दौरान अपनी पूरी क्षमता के बियॉन्ड जाकर भी इन लोगों ने काम किया। इसके बाद एनएमसी में जो बच्चे मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनकी पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि एनएमसी के अकॉर्डिंगली हम सब जो एनएमसी के डॉक्टर्स भी हैं हम सब अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 17 मेडिकल कॉलेज है राजमेस के, जिसके अंदर 5,000 से ज्यादा विद्यार्थी हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। सरकार ने एक ही कैडर को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, एक हम मृत डॉक्टरों का और नए बहाल किए जाने वाले जीवित डॉक्टरों का। अब आप ही बताएं कि इस तरह के डॉक्टर्स जो एक ही कैडर के अंदर 2 प्रकार के डॉक्टर हैं, वो 2 प्रकार के डॉक्टर कैसे अपनी पूरी भावना के साथ इसमें योगदान दे सकते हैं। और जब हम सब चिकित्सक नहीं, हम चिकित्सक शिक्षक भी है, इससे शिक्षा प्रभावित हो रही है, चिकित्सा शिक्षा प्रभावित हो रही है पूरी तरीके से, और बच्चों की जो ट्रेनिंग चल रही है वो ट्रेनिंग भी ढंग से नहीं हो पा रही है। बच्चे भी दुखी हैं इस बात से। आगामी दिनों में होने वाली परीक्षाएं हैं वो भी प्रभावित हो सकती है, और इसलिए मैं ये सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि बच्चों के भविष्य को भी नजर में रखते हुए हम चिकित्सक शिक्षकों के साथ इंसाफ करें, हमें समान काम के लिए समान वेतन समान अधिकार प्राप्त होए। हमें समान अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इस वजह से ही हम इस आंदोलन पे हैं, जबकि हमने हमेशा अपना पूर्ण योगदान दिया है, कहीं कहीं हमने पूर्ण से भी ज्यादा योगदान दिया है। एक एक फैकल्टी ने 4-4 फैकल्टी के बराबर काम किया है। डॉक्टर प्रियंका, मैं एसोसिएट प्रोफेसर श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर।